गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कालिका के भाग वन के कृपालु ऋषि यानी ऋकार की मात्रा पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको आ हर्षवी दीर्घी हर्षो दीर्घ आज री की मात्रा बताने जा रहे हैं। री का मात्रा इस तरह से होता है जो नीचे में लगता है, पढ़ना है इसको मौरिकार मृग ग मृग, सौरिकार श्री प श्री, नौरिकार नृप प नृप, मौरिकार मृत त मृत, सरकार श्री ज न सृजन, करकार श्री त हर्षकार ती कृति, तरकार त्रि न त्रि, रि सदकार सी ऋषि, करकार त्रि पकार पा ल हर्षकारु कृपालु, कार्यकारी सहर्षकारी कृषि, कार्यकारी प न त्रिपन, वर्कार वृत छ वृत, अमरकार वृत अमृत, कार्यकारी प कार पा कृपा, घर कार घृत त घृत। आप इन सभी शब्द को दस दस बार लिखेंगे और इसे सीख करके अपने से बड़े घर में जो सदस्य हो उनसे कहेंगे, इन्हें मौखिक बोलेंगे और आप इसको लिख कर उनको दिखाएंगे। जो गलत हो जाए उसको फिर से दस दस बार लिख कर उसे सीखेंगे। ये ऋकार की मात्रा है। रि इस तरह से लिखाता है, अमरकारी गृत इसको पढ़ना है और आपको शब्दों को ठीक करके ये सब चीज रखना है। हिरण चल रहा था ऐसे करके, और घर पड़ी आपको पढ़ना है सरकार श्री जन सृजन, कार्यकारी कृति पढ़ना, सृजन कृति की किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़कर सृजन बन गया, हिरण त्रिन चल रहा था, उसी जगह ऋषि तप कर रहा था, ऋषि बड़ा दयालु कृपालु था, वह कृषि भी करता था, वह कृपण न था, सबकी मदद करता था, वृक्ष पर चिड़िया चहचहा रही थी, ऋषि गाय रखता था, गाय का दूध अमृत समझकर पी भगवान की ऋषि पर कृपा रही वह खुश था। सबसे पहले आप इसे हिजे करके पढ़ेंगे, सरकार श्री ज न सृजन, कार्यकार क्री त हर्षकार ती कृति, पहले जो ऋकार वाले शब्द है उसको हिजे करके पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन वाले सृजन कृति की किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़कर सृजन वन में गया, इस तरह से आप पढ़ेंगे। इस सबको अभ्यास कार्य को आप बना लेंगे, कल मैं इसका हल कर दूंगा। धन्यवाद।